बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी की रैली, ममता के चुनावी नारे, खेला हुबे पर जमकर बोला हमला। पुरुलिया रैली में पीएम मोदी का ममता सरकार पर वार, बोले दीदी कहती है खेला हुबे, बीजेपी कहती है विकास हुबे। पीएम ने पानी के संकट के लिए टीएमसी सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा बंगाल में बनेगी डबल इंजन की सरकार तब होगा विकास। पीएम ने बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने को लेकर ममता को घेरा, कहा अब क्या कहेंगी मुख्यमंत्री। असम के करीमगंज में भी पीएम मोदी की चुनावी रैली, कहा कांग्रेस ने पहुंचाया असम को नुकसान। करीमगंज में मोदी ने कहा कांग्रेस के पास ना नेता ना नीति ना ही विचारधारा। पीएम ने विकास को बताया असम का असल चुनावी मुद्दा, बोले एनडीए सरकार ने राज्य को सारी सुविधा मुहैया कराई। असम में भी फिर से डबल इंजन सरकार की पीएम ने की वकालत, कहा नॉर्थ ईस्ट में सभी विकास कार्य हो रहे हैं पूरे। नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रचार अभियान में हंगामा, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। केंद्रीय मंत्री ने बंगाल में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग। पश्चिमी मिदनापुर में ममता की भी रैली, कहा बंगाल के सभी होटल बीजेपी कार्यकर्ताओं से भर गए, हजारों नेता वोट लूटने आ रहे। ममता ने उठाया किसानों और गरीबों का मुद्दा, कहा सिर्फ हम करते हैं उनकी मदद। मिदनापुर रैली के मंच से ममता ने फिर किया चंडी पाठ, बीजेपी को दिया हिंदुत्व पर जवाब। रैली में ममता ने फिर लगाया खेला हुबे का नारा, लोगों से बीजेपी नेताओं के बहकावे में नहीं आने की अपील। बीजेपी में शामिल हो गए शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिष्य अधिकारी, पीएम की रैली के मंच पर रहेंगे मौजूद। बीजेपी में शामिल होने से पहले शिष्य अधिकारी का ममता पर तीखा हमला, कहा जीतने के लिए बनाया चोट का झूठा बहाना। बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी की 148 उम्मीदवारों के नाम, कृष्णानगर उत्तर से लड़ेंगे मुकुल रॉय। हावड़ा से राहुल सिन्हा उतरेंगे मैदान में, फुटबॉलर कल्याण चौबे मानिकटोला से बीजेपी उम्मीदवार। पांडवेश्वर से जितेंद्र तिवारी को टिकट, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में हुए हैं शामिल। आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्र पॉल बने उम्मीदवार, शांतिपुर से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार को टिकट। चारुंगी से बीजेपी उम्मीदवार शिखा मित्रा ने बढ़ाई पार्टी की फजीहत, कहा मैं नहीं लड़ रही हूं बीजेपी टिकट पर चुनाव, मैं कांग्रेस में हूं। बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता अरुण गोविल, कहा जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी को एलर्जी क्यों। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले प्रधानमंत्री ने बदल दी है सियासत की परिभाषा। बीजेपी उम्मीदवारों पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का अरिजोब वो गरीब बयान, ट्वीट में लिखा जब भी बीजेपी जारी करती है लिस्ट आप बना सकते हैं उनके चेहरे से ऑमलेट। कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग से मिलकर टीएमसी ने दर्ज कराई शिकायत, नंदीग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के हमले का लगाया आरोप। महिलाओं के लिबास पर बयान देकर विवादों में घिरे उत्तराखंड के नए नवेले सीएम तीरथ सिंह रावत, महिला सांसदों ने खोला चौतरफा मोर्चा। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पोस्ट की अपनी जींस पहने तस्वीर, कहा सोच बदलो तभी बदलेगा देश। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा का रावत पर तीखा वार, कहा घुटने दिखाने वाले आरएसएस के लोग सरकार चलाएंगे तो यही होगा। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन का भी उत्तराखंड के सीएम पर निशाना, कहा 21वीं सदी में भी ऊंचे पद पर बैठे लोगों की ऐसी सोच दुखद। कंगना ने भी तीरथ सिंह के बयान पर दी प्रतिक्रिया, अगर रिप जींस पहननी है तो कूलनेस और स्टाइल मेरे जैसा हो। परमवीर सिंह के तबादले पर सियासी तूफान, बीजेपी नेता राम कदम ने कहा अधिकारियों के तबादले से आईपीएस लॉबी नाराज। सचिन वाजे केस पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का बयान, जांच में दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। एनआईए एटीएस की जांच में दखल से अनिल देशमुख का इनकार, कहा कोई गलती हुई है तो हो रही है उसकी जांच। सचिन वाजे केस की एनआईए जांच में चौंकाने वाला खुलासा, घर से मिली लाखों की लैंड क्रूजर प्राडो कार और उसमें कई अहम सबूत। एनआईए के मुताबिक सचिन वाजे ने खरीदे थे दो कुर्ते, दोनों का अपराध में इस्तेमाल, एक घर से बरामद एक मुलुंड नाके पर जली अवस्था में मिला। हरियाणा में भारी हंगामे के बीच संपत्ति क्षति वसूली बिल पास, आंदोलन और तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों से होगी भरपाई। हर नई गाड़ी में अब जीपीएस होगा अनिवार्य, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सरकार लाएगी जीपीएस टोल सिस्टम। नेशनल हाईवे पर जाते ही जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम हो जाएगा शुरू, टोल पर रुकने की नहीं होगी जरूरत।
वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी पर बोले गडकरी, निजी वाहन 20 और कमर्शियल वाहन 15 साल बाद हो जाएंगे स्क्रैप। पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का नया पैंतरा, कहा भारत और पाकिस्तान को पुराना इतिहास छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात, साथ में फिल्म राम सेतु के और कलाकार भी मौजूद। सीएम योगी से फिल्म राम सेतु के कलाकार जैकलिन फर्नांडिस ने भी की मुलाकात, नुसरत भरूचा भी साथ। लखनऊ से पहले फिल्म राम सेतु के मुहूर्त के लिए अयोध्या पहुंचे अक्षय कुमार, अयोध्या के राजा कौशलेंद्र से मुलाकात के बाद रामलला के दर्शन किए। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी की 4 अप्रैल को हरियाणा के जींद में पंचायत, अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज, सोशल मीडिया पर गाली गलौज को लेकर FIR। महाराष्ट्र में कोरोना केस में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 25,833 नए मामले, 58 लोगों की मौत। मुंबई में अकेले 2,877 नए कोरोना मामले, 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत। मुंबई के धारावी का 30 नए कोरोना केस से सामना, सितंबर 2020 के बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले। गुजरात में 1,276 नए केस, अहमदाबाद वडोदरा सूरत समेत 8 शहरों में स्कूल बंद करने का आदेश, अब होगी ऑनलाइन पढ़ाई। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला, कल से रात 9 बजे लागू होगा नाइट कर्फ्यू, शनिवार और रविवार को मॉल सिनेमा हॉल होंगे बंद। कोरोना के मद्देनजर यूपी के गौतम बुद्ध नगर में होली पर एडवाइजरी, 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा लोगों की पार्टी पर प्रशासन से लेनी होगी इजाजत, 50 से ज्यादा लोगों पर पुलिस स्टेशन में देनी होगी जानकारी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ट्रेसिंग और ट्रैकिंग बढ़ाने की जरूरत, लोग नियमों का करें पालन। केंद्र से सभी को वैक्सीन लगाने की इजाजत देने की मांग, कहा 3 महीने में पूरी दिल्ली को लगा सकते हैं टीका। तो गाजियाबाद में एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों की अनूठी पहल, सैकड़ों लड़की और महिलाओं को बांटे गए सैनिटरी पैड, डॉक्टर राजीव की अगुवाई में आयोजन। कोरोना को देखते हुए नागपुर में 7 दिन के लॉकडाउन से डरा मजदूर वर्ग, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए शुरू हुआ पलायन। एमपी के सीहोर में बेदौल गांव में आग का कहर, 24 घर जलकर राख, अपना सब कुछ गवा चुके लोगों का रो रोकर बुरा हाल। राजस्थान पुलिस ने गाड़ी के फर्जी रजिस्ट्रेशन स्कैम का किया भंडाफोड़, जयपुर के RTO दफ्तर में 45 ट्रक फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेड। बिहार के बगहा में छात्रा को अगवा करके रेप के बाद हत्या के मामले में नाराज गांव वालों का गुस्सा, हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग। यूपी में राज्य महिला आयोग की कार्रवाई के बाद सामने आया दारोगा का सच, लड़की ने लगाया छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप। बर्दवान के जंगल में एक डिब्बे में मिले 34 बम स्क्वाड ने की निष्क्रिय। सोमनाथ मंदिर को लेकर गजनी की तारीफ करने वाले मौलाना पानीपत से गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद गुजरात पुलिस ने मदरसे से पकड़ा। पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने अमृतसर से किया गिरफ्तार, 15 लाख रुपए ड्रग मनी भी बरामद। बंगाल ड्रग केस में गिरफ्तार बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी का बड़ा बयान, कहा अगर मैं हुई दोषी तो दे दूंगी जान। पटना के राजेंद्र नगर जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस से भारी मात्रा में महंगी शराब बरामद, मधेपुरा का रहने वाला एक शख्स गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान, पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रशासन का फैसला। बरेली में पूर्वोत्तर रेलवे की बड़ी लापरवाही बेनकाब, सवारियों से भरी पैसेंजर ट्रेन को कई किलोमीटर तक उल्टा चलाया गया, घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित। छुट्टी पर घर आए बिहार के समस्तीपुर में तैनात पुलिस दारोगा रवि रंजन सिंह की सारण में हत्या, रॉड और गला दबाकर मर्डर। यूपी के मैनपुरी में दहेज के लिए पति ने पत्नी की गोली मारी, 1 साल पहले हुई थी शादी, हत्यारा पति फरार। बिहार के खगड़िया में मिल्क वैन में दूध की जगह मिली लाखों की शराब, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मेरठ में व्यापारी से लूट की घटना CCTV में कैद, 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लूट में शामिल 3 बदमाश पकड़े। यूपी के बदायूं में सास से मामूली कहासुनी पर दामाद ने सिर में ईंट मारकर किया घायल, बरेली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पंजाब के बरनाला में एक शख्स ने अपने ही घर में लगाई आग, फर्नीचर और बाइक स्वाहा। गुरदासपुर में पराली जलाने पर दर्ज हुए केस रद्द करवाने के लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का विरोध, SSP बटाला के दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। नगर में CRPF के अनोखी पहल, निषाद इलाके के जरूरतमंदों के लिए फ्री में मेडिकल कैंप का आयोजन। मौसमी बीमारी बन सकता है कोरोना वायरस, संयुक्त राष्ट्र ने कई साल तक वायरस का खतरा जारी रहने की चेतावनी दी। 2021 की पहली छमाही में बढ़ सकता है बैंकों का NPA, फिक्की और IBA के सर्वे में किया गया दावा। फरवरी में कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में 35% इजाफा, कोरोना काल के बावजूद कारोबारी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ी। 2021 में 10% बढ़ सकता है चीनी का उत्पादन, ऊंची कीमत पर निर्यात से बढ़ेगा चीनी मिलों का कैश फ्लो।
अक्टूबर से 15 साल पुरानी कार की आरसी रिन्यू कराने पर चुकानी होगी ज्यादा रकम। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी 8 गुना ज्यादा फीस। और तो कंपनियों को गाड़ियों के रिकॉल पर देना पड़ेगा जुर्माना, अधिकतम 1 करोड़ रुपए होगा रिकॉल का जुर्माना। देश में जनवरी 2021 में 96 लाख मोबाइल यूजर्स बढ़े, ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक 2.5 साल में पहली बार बढ़े वोडाफोन आइडिया के ग्राहक। ने कर्नाटक की स्टील कंपनियों के दूसरे राज्यों से आयरन ओर मंगाने पर जताई चिंता, कहा राज्य की घरेलू अर्थव्यवस्था को हो रहा नुकसान। नोकिया करेगी 10,000 कर्मचारियों की छटनी, लागत को कम करने के साथ ही R&D, 5G और क्लाउड में निवेश करने का भी प्लान। कोरोना ने सोशल डिस्टेंसिंग के चलते बढ़ाई ऑफिस स्पेस की मांग, बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की रफ्तार तेज। चौथे जी बने में भारत ने इंग्लैंड को दिया 186 रन का लक्ष्य, 8 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। सूर्य कुमार यादव ने बनाए सबसे ज्यादा 57 रन, 3 छक्के 6 चौके शामिल। श्रेयस अय्यर ने खेली 37 रन की तेज पारी, ऋषभ पंत ने बनाए 30 रन। चौथे T20 में भी नहीं चले KL राहुल, सिर्फ 14 रन पर स्टोक्स का शिकार बने। रोहित शर्मा भी सिर्फ 12 रन पर आउट, कप्तान कोहली भी 1 रन पर लौटे पवेलियन। राष्ट्रपति पुतिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद आई रूस की प्रतिक्रिया, क्रेमलिन के मुताबिक जो बाइडेन को रूस के साथ रिश्ते सुधारने की नहीं है इच्छा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात, नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर भी बातचीत। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने पर दिया बयान, बोले 1 मई तक सैनिकों को वापस बुलाना है कठिन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिर हुआ बम धमाका, धमाके में 4 अफगानी सरकारी कर्मचारियों की मौत। म्यांमार में आंग सान सू की पर निर्माण क्षेत्र से जुड़े एक प्रभावशाली कारोबारी ने लगाया बड़ा आरोप, कारोबारी का दावा सू की को उसने खुद $5 लाख से अधिक नकद रकम दी थी। बेलारूस के विपक्षी नेता राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही स्वेतलाना की समर्थकों से अपील, सरकार के प्रतिनिधियों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराने की मांग। 4.7% की दर से बढ़ेगी इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों पर होगा सबसे ज्यादा असर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,19,00,000 से ज्यादा, महामारी में 26,94,000 से ज्यादा की जान गई। इटली ने पिछले एक साल में कोरोना वायरस महामारी में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी के अलावा कई नेता रहे मौजूद। अमेरिका में मिसिसिपी, लुइसियाना, टेनेसी और अलबामा राज्य में आया जबरदस्त तूफान, कई घरों और पेड़ों को नुकसान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।